अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप 2019 के बारे में, जो कि मई के आखिर में स्टार्ट होने जा रहा है इंग्लैंड की सरजमीन पर। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि बॉलिंग कोच मोहम्मद अज़हर का कहना था कि अभी जो प्लेयर सेलेक्ट होने हैं, जो अभी बॉलर सेलेक्ट होने हैं, उनके बारे में उनको कहना था कि मोहम्मद आमिर इसमें से होंगे, मोहम्मद उस्मान शनवारी होंगे, जुनेद खान, मोहम्मद अब्बास और हसनैन के दरमियान मुकाबला है सिलेक्शन के लिए, लेकिन फेवरेट इस वक्त मोहम्मद आमिर हैं। तफसीलात के मुताबिक क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के आगाज़ में महज 2 माह का क्लील वक्त बाकी रह गया है। वर्ल्ड कप का आगाज़ मई के आखिर में इंग्लैंड में होगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन का अमल जारी है। वर्ल्ड कप के लिए 3 फास्ट बॉलर को कौमी टीम के लिए मुंतखब कर लिया गया है। वर्ल्ड कप के लिए जो बड़े 3 नाम सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी हैं, हसन अली हैं और फ़हीम अशरफ होंगे, जो कि 100% सिलेक्ट हो चुके हैं और उनकी टीम में जगह पक्की हो चुकी है। इस हवाले से कौमी टीम के एक बॉलिंग कोच मोहम्मद अज़हर महमूद का कहना था कि आलमी कप के लिए फास्ट बॉलर की मज़ीद 2 जगह बाकी हैं और उसमें वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का हिस्सा बनने के लिए मोहम्मद आमिर, उस्मान शनवारी, जुनेद खान, मोहम्मद अब्बास और हसनैन के दरमियान मुकाबला है। मुमकिन तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी 1 रोज़ा मैच की सीरीज़ के अख्ताम के बाद वर्ल्ड कप के लिए मुकम्मल कौमी टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताते चलूँ कि फ़हीम अशरफ की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही PSL में भी और भी काफ़ी जगहों पर, वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। और अगर बात की जाए हसन अली की, तो हसन अली के नाम से आप सब खूब बखूबी वाकिफ़ होंगे कि वो हर टीम में हर जगह पर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, तो लाहौर क्लिनर्स की जानब से वो इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए PSL सीज़न 4 में, लेकिन फिर भी उनका नाम सिलेक्ट कर लिया गया है। और आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि मोहम्मद सरफराज अहमद जो है वही कप्तान होंगे इस बार वर्ल्ड कप के। दोस्तों कौमी टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेल रही है दुबई में, अपने सीरीज़ पर जारी है दौरा पर, तो अभी इनकी वापसी के बाद ये फैसला हो पाएगा कि कौन सा स्क्वाड जो है वो 100% वर्ल्ड कप के लिए स्टार्ट होगा। मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वर्ल्ड कप की या हर तरह की स्पोर्ट्स अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है। और अगर आप किसी नंबर का डाटा हासिल करना चाहते हैं तो एंड तक वीडियो को देखिएगा, एंड में आपको एक प्रोसेस बताया जाएगा जिससे आप किसी भी नंबर का डाटा इजीली हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी कौमी टीम के बारे में क्या राय है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अगर आप नंबर किसी का डाटा हासिल करना चाहते हैं तो इजीली आपको प्ले स्टोर से सुपर VPN डाउनलोड करना होगा और एक वेबसाइट ओपन करनी होगी जिसका नाम है parkdata.ml। parkdata.ml आपने ओपन करने के बाद बिल्कुल फ्री स्पेस रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते ही आपके पास पर्सनल ट्रैकर का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप ओपन करेंगे फाइंड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने नंबर इसी मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि उन्होंने एक ब्रीफिंग कमेटी बुला ली है जिसमें ज़मामुल हक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और एहसान मानी को तलब कर लिया।